तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप स्वागत है। फाइनली दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे इधर। तो दोस्तों, हमारा ये लॉफ्ट है, ये देखिए हमारे न्यू वाला लॉफ्ट, और इसमें तकरीबन अब 4 से 5 कबूतर हैं, 5-6 कबूतर हैं शायद। तो दोस्तों, इसमें पानी इकट्ठा हो रहा था और ये आपको दिखा दूँ कि इधर हमने जो इंतज़ाम किया था इसके ऊपर पॉलीथीन डाला था, वो बिल्कुल सड़ चुका था घाम की वजह से, पानी की वजह से। और इसके ऊपर हम कुछ और इंतज़ाम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो बने रहें, दिखाते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, हमारे भाई साहब बोरी लेकर आए हैं और इसको भी फाड़ कर उसमें चौड़ा करेंगे उसको, और उसके बाद सिलेंगे उसको, और सिलने के बाद इसको इसके ऊपर रखेंगे ताकि जो अंदर पानी ये सिग्नल ले रहा है। ये देखिए, आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। और ये देखिए सब लॉफ्ट उन लोगों का भी गया अंदर, जहाँ बैठते हैं लोग इधर, और यहाँ थोड़ा थोड़ा इधर इधर से पानी आ रहा है। तो दोस्तों, ऊपर से जब हम लोग पॉलीथीन या कुछ भी जुगाड़ है हमारे भाई साहब का, वो जुगाड़ इस पर लगा देंगे तो पानी नहीं आएगी। आप लोग को दिखा दूँ हमारे भाई साहब किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जुगाड़ लगा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो बोरी का ये जो उभरा हुआ है, इसको आग से जला दे रहे हैं ताकि वो इधर उधर उभरे ना। तो ये देखिए किस तरीके से जुगाड़ लगाए हुए हैं और खुद लगे हुए हैं, और एक बोरी को जो इस तरीके से सही कर दिया इन्होंने। ये देखिए, ये इसको सही कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये इतने 4-5-6 बोरी जो हैं सबको ये सही करेंगे, और आप लोग वीडियो बने रहे तब तक। और ये देखिए दोस्तों, और बाकी मेरे कबूतर सब बाहर आ चुके हैं, 2 दिनों पर खुले हैं हमारे कबूतर, बाहर आए हैं और आप देख सकते हैं। देखिए हमारे 3-6 कबूतर हैं ये। ये देखिए, ये हम लोग न्यू कबूतर लाए हैं, इसका भी शौक कराएंगे अलग वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो बने रहें। और हमारे भाई सभी देखिए इधर लगे हुए हैं, इसको जो ज़्यादा उभरा हुआ उसको काट भी रहे हैं, तो आप लोग वीडियो बने रहें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे भाई साहब बोरी को काट कर चौड़ा कर रहे हैं। तो ये जैसे तकरीबन इधर 5-6 बोरे को काट कर भाई साहब ने चौड़ा कर दिए, और ये आखिरी बोरा है छठवां, और इसको इस तरीके से काटेंगे। और अभी दिखाता हूँ कितने चौड़े चौड़े कर दिए भाई साहब ने ये बोरे में। तो दोस्तों, जुगाड़ लगाए हुए हैं हमारे भाई साहब, जो कि इंडिया में जुगाड़ ही चलाते हैं सब लोग। ये देखिए, ये भी जुगाड़ में लगे हुए हैं, और अभी दिखाएंगे ये। ये देखिए, इसको भी काट रहा है भाई साहब साइड साइड से। देखिए दोस्तों, भाई साहब ने मेरे 6 बोरों को चौड़ा कर दिया काट के, और ये देखिए इधर, ये देखिए इतना चौड़ा हो गया, और उसमें तकरीबन हो जाएगा 6 बोरे में, और काफ़ी चौड़ा हो गया है। तो इसको सोच रहे हैं हम लोग सिलें, देखते हैं सिल दें इसको, पहले सिलाई कर दें साइड साइड से। और ये देखिए, और हमारे छत पे आज देखिए परिंदे भी आ रहे हैं छोटे। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कौन सा परिंदा है, आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करें, ये इसको आप इधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो धुनियाइन बोलते हैं इसको। और ये देखिए, और हमारी ये पुरानी पड़खी जिसको जो हम लोग लाए थे, लग रहा वही है क्योंकि बार बार घर पे आती है। और बाकी हमारे कबूतर सब उधर हैं। तो दोस्तों, ये हमारे भाई सब इसको ले लिए हैं, और अभी चलते हैं, देखते हैं, सिलाई करते हैं कि सिलाई हो पाता है इस पर कि नहीं। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो बने रहें तब तक के लिए। सो हेलो दोस्तों, तो हम लोग चले गए थे थोड़ा काम से, और हमारा काम रुक गया था क्योंकि बारिश का मौसम था, थोड़ा देर मौसम खुला है। तो हम लोग गए थे चौराहे पर दवा लेने के लिए, तो दवा लेकर आए तो टाइम हो गया था। वैसे मैं सो भी गया था, लेकिन अब दोस्तों उसके बाद फिर ये देखिए हमारे भाई साहब ने कहा चलो उसको सही कर लेते हैं, वरना बारिश फिर होने लगेगी। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं छत पर, और इसको बड़े अच्छे से सब सारी चीज़ों को हटाएंगे यहाँ से, उसके बाद तब उसको फैलाएंगे। आप लोग वीडियो बने रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे भाई साहब सारी चीज़ों को हटाने लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम लोग ये चट्टी को हमारे इसको अगर 4-6 बोरे को एक साथ सिल दिया जाता है तो उसको चट्टा बोलते हैं। तो इसको अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। लोग वीडियो बने रहे, और काफ़ी देर से बारिश हुई, बारिश हुई थी दोस्तों। तो आप लोग बने, आपसे बड़ा लेकिन बस कुछ बात ये वाला यहाँ पर रखो।
तो दोस्तों आप लोग वीडियो बने रहे हैं, हम अभी मिलते हैं वीडियो में। ये हमारा ये जुगाड़ तैयार हो चुका है और इसको अब इसमें डालेंगे भाई साहब। ये देखिए इसको ले जाए, तो दोस्तों ये तो हो गया, चारों तरफ पहुंच गया और अभी पीछे भी इसको करना है। अब देखिए तो दोस्तों अभी वीडियो बने रहे, इसको मैं हम लोग सही कर दें, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको हम पूरे छत को हमने ये पॉलीथीन इसको लगा दिया है और अब हमारे उम्मीद से लगता है कि अंदर पानी नहीं जाएगा, हमारे कबूतर बहुत ही मज़े से रहेंगे। और ये देखिए चारों तरफ हमारे भाई साहब ईटा रख दिए हैं, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा भी हो गया क्योंकि ऊपर से पानी अंदर आ रहा था। तो दोस्तों इसी पे हम लोग सोचे हैं वीडियो ख़त्म करें क्योंकि यह बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।